कलेक्टर रहते हुए क्या उपलब्धियां रही है आपकी? ठीक, कलेक्टर रहते हुए जो उपलब्धियां रही है वो तो सब जनता के सामने ही है। ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां थी। अगर शहर की बात करें तो G20 का जो सम्मेलन हुआ था वो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि पहला G20 सम्मेलन था और 20 साल बाद में किसी कंट्री को मिलता है। वो हमने उदयपुर में काफ़ी कोशिश करके उसको प्राप्त किया था, और उसके बाद में उस G20 के सम्मेलन में इतनी शानदार व्यवस्थाएं थी कि खुद प्रधानमंत्री जी ने G20 सम्मेलन जो उदयपुर में हुआ था उनकी तारीफ हमारे मुख्यमंत्री जी को की थी। हमारे कांग्रेस पार्टी का नव संकल्प चिंतन शिविर यहाँ आयोजित हुआ था, उसकी भी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी तत्समय के अशोक गहलोत जी काफ़ी प्रशंसा की थी। और सिटी एरिया में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, आदिवासी कला संस्कृति को बढ़ावा देना, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे काम हमने किए, चाहे वो एयरपोर्ट को ज़मीन देने की बात हो या फिर एस्ट्रोटर्फ के लिए राशि स्वीकृत करने की बात हो, बहुत सारे काम किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत सारे काम किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि समन्वित कार्य करने का हमने प्रयास किया ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। सर, मुख्यधारा की राजनीति में आने का निर्णय अभी का तो नहीं लगता है, पहले ही सोच लिया था? क्या काम बाकी रह गए जिनको आप मुख्यधारा की राजनीति में आगे पूरा करना? बहुत सारे काम हैं। उदयपुर को वैसे तो देश विदेश में उदयपुर का नाम है, लेकिन अभी भी उदयपुर में पर्यटन की जो व्यापक संभावना है, यहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट को अच्छा करना है, पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से इसके सिटी एरिया का विकास करना है, स्वच्छता पर और सुंदरता पर विशेष रूप से फोकस करना है, ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को ले जाना है, हमारे रोज़गार के युवाओं के रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करने हैं। उपखंड मुख्यालय पर हमने औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि आवंटित की थी, उनको भी चालू कराना है, जिससे कि हमारे आदिवासी जो भाई हैं परिवार सहित पलायन कर जाते हैं समीपवर्ती गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य में, वो रुके और यहाँ का वहाँ बच्चों की शिक्षा बेहतर ढंग से हो सके। इसके अलावा उदयपुर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना है, एक्सपोर्ट के लिए मतलब यहाँ कार्गो का काम एयरपोर्ट पर चालू करवाना है, लाइक वही सिटी एरिया में भी इंडस्ट्रियल एरिया का विकास करना है। बहुत सारे काम है जो उदयपुर में अभी करने बाकी हैं। मतलब कलेक्टर रहते हुए आपने जिले में पर्यटन कौन कौन से स्थल है जहाँ पर विकास के काम करवाने के प्रयास किए? देखिए, यहाँ जो मायरा की गुफा है, आप जिस क्षेत्र के समीप हम बैठे हैं, इट्सेल्फ इसमें 5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी। इसके अलावा रूठी रानी का महल, हवा महल है, उसके लिए भी राशि स्वीकृत की थी। पर्यटन के सर्किट के लिए भी राशि स्वीकृत की थी। काफ़ी काम पर्यटन क्षेत्र में स्वीकृत कराए थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट चेंज होने के बाद में नई गवर्नमेंट इस पर काम नहीं कर रही है। तो लाइक वाइज सिटी एरिया में पूरे सिटी को ब्यूटीफाई हमने किया था, झीलों को स्वच्छ किया था, और हेरिटेज स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हेरिटेज वर्क काफ़ी करवाए थे, और ग्रामीण क्षेत्र में भी हमने रोज़गार के हिसाब से पर्यटन को रोज़गार से जोड़ने के लिए उसके भी प्रयास किए थे। गोगुंदा में क्योंकि आपका काफ़ी आना जाना रहा है, तो गोगुंदा और सायरा में पर्यटन की दृष्टि से कोई जगह आपको नज़र आती है जहाँ आपकी परिकल्पना है आगे डेवलपमेंट कराने की? निश्चित रूप से सबसे पहले तो राजतिलक स्थली है, उसको विकसित करने की जरूरत है। उस समय हमने प्रयास प्रारंभ किया था और इसको मेंटेनेंस के लिए आउटसोर्स करने के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट भी बनवाया था, लेकिन उस पर वो काम हो नहीं पाया था। तो उसको हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे राजतिलक स्थली के विकसित करने की। इसके अलावा जो सायरा क्षेत्र है, आपको पता है कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का क्षेत्र है, रणकपुर समीपस्थ रणकपुर है, कोमलगढ़ है, तो इसकी रोड की वाइडनिंग का भी काम हम टेकअप करने का मैं विचार रखता हूँ। इस क्षेत्र में पर्यटन की विपुल संभावना है, उसको बढ़ावा हम देंगे गोगुंदा में, ताकि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर और ज़्यादा विकसित हो सके। सरकारें मिशन चलाती है, लेकिन कलेक्टर रहते हुए आपने भी एक मिशन चलाया, कोटड़ा मिशन नाम दिया था। ये यहाँ आते ही सोचा या पहले से ही आपने सोच रखा था कि मुझे उस इलाके में? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जब मैंने 17 जनवरी 2022 को यहाँ पर कलेक्टर के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था, 30 जनवरी 2022 को
उस क्षेत्र के कुछ बच्चे हैं उपखंड मुख्यालय के सामने चूँकि भूखे थे, तो इस तरह की न्यूज़ मैंने पढ़ी थी। उसके बाद में मैं कोटड़ा गया था और उसके बाद मैंने फील किया कि भी उस क्षेत्र के समन्वित विकास की ज़रूरत है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए ही मिशन कोटड़ा हमने प्रारंभ किया था। कोई पहले से ऐसा कोई विचार नहीं था मिशन प्रारंभ करने का, वहाँ की स्थितियाँ देखकर ही मिशन कोटड़ा प्रारंभ करने का विचार किया था। कोटड़ा में जिस तरीके से आपका ज़्यादा आवागमन रहा, ज़्यादा लगाव रहा, सुनने में ये भी आया कि आप विधानसभा चुनाव में जो है वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे जाड़ोल कोटड़ा से, तो ये कैसे बना उस समय कि आप राजनीति में जाएँ? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने कभी भी झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र से विधायक का टिकट मांगने की कभी कोई मैंने कांग्रेस पार्टी को रिक्वेस्ट नहीं की। ना ही मुझे मुख्यमंत्री जी ने कभी मेरे को कहा कि आपको झाड़ोल से टिकट देंगे। चूंकि मेरा मूवमेंट उस एरिया में ज़्यादा था इसलिए ये रूमर्स बनी थी, लेकिन मेरा कोई विधायक के इलेक्शन फाइट करने का कोई विचार नहीं था। कार्यपालिका में आपका तजुर्बा है पूरा प्रबंधन का, कई कमेटियों के आप अध्यक्ष रहते हैं और कई प्रकार के काम आपने किए, प्रबंधन का बहुत अच्छा अच्छी आपकी उसमें पकड़ है। राजनीतिक पार्टियों के लोगों के साथ में काम करना, ये प्रबंधन कैसे कर पा रहे हैं आप अभी? ऐसा कुछ नया नहीं, क्योंकि जिला कलेक्टर के रूप में और कई विभागों में विभागाध्यक्ष के पद पर रहते हुए मुझे सभी पार्टी के लोग मिलते थे और सभी के काम करते थे। जो भी काम नियमों के अंतर्गत आता वो हम करते थे और अभी भी इलेक्शन अपनी जगह है, लेकिन अगर सांसद के पद पर मैं अगर चुना जाता हूँ तो हमारा कोई पार्टी हमारी वो नहीं है। सांसद चुनने के बाद में सब बराबर है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का वर्कर हो या भारतीय जनता पार्टी का वर्कर हो, वो एक सांसद सभी का होता है, वो हमारे लिए सब बराबर है। और ऐसा कोई नया नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र से पूर्व से ही मेरा इंटरेक्शन होता रहा है, तो कोई असहज असहजता या असुविधा राजनीति के क्षेत्र में मुझे नहीं है। सोशल मीडिया आजकल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कई चीज़ों को ठीक भी कर देता है, कई चीज़ों को बिगाड़ता भी है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है और कई लोग उसको सोशल मीडिया पे वायरल करके नीचे कमेंट लिखे जा रहे हैं कि वो जो है यीशु मसीह के ईसाई धर्म को के साथ जा रहे हैं ताराचंद जी, तो इस पे आप क्या कहेंगे? इस तरह की जो वीडियो है, इस तरह के कमेंट जो है आपको परेशान करते हैं? नहीं, परेशानी कोई बात ही नहीं है। मैं देश के धर्म निरपेक्ष रूप में विश्वास करता हूं और मैं खुद सनातनी हूं, सनातन धर्म में विश्वास करता हूं, मैं हिंदू हूं और मैं 40 साल से महादेव का व्रत करता हूं। मैं जब यहाँ आया था बतौर सांसद के चुनाव के लिए, तो उस समय मैंने मंदिरों के श्रीनाथ जी के दर्शन किए थे, बौरा गणेश जी के दर्शन किए थे, जगदीश मंदिर जगदीश भगवान जगदीश के दर्शन किए थे। और अब भी मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ कोई मंदिर होता है, अभी भी यहाँ मैंने माता जी के दर्शन किए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो संकीर्ण मानसिकता और संकुचित मानसिकता के जो लोग अपना राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस तरह की बातें फैलाते हैं। कोई भी धर्म का अनुयायी है वो मेरे से अगर मिलना आता है, मैं अजमेर की दरगाह में भी जाता हूँ, तो सभी मंदिरों में भी जाता हूँ, तो चर्चों में भी जाता हूँ, गुरुद्वारे में भी जाता हूँ। तो व्यापक मानसिकता है मेरी, संकुचित मानसिकता नहीं है। मैं फिर कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, सनातन धर्म में मेरा विश्वास है, मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी या क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए कोई काम करने का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन सभी धर्मों के लोग मेरे पास आते हैं, सिख समुदाय के लोग भी मुझसे मिलना है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी मुझे मिलना है, मुस्लिम कम्युनिटी के भी मिलना है, हिंदू कम्युनिटी के भी मिलना है। तो ये चीज़ें तो बहुत ही घटिया और संकुचित मानसिकता के लोग करते हैं। ताराचंद जी आखिर है कहाँ के, क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि है, कितने परिवार में सदस्य है, ये जो पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई और फिर नौकरी की जो यात्रा है यहाँ से, ये कैसे शुरू हुई, कहाँ तक पहुँची? देखिए, मैं मूल रूप से मारवाड़ जंक्शन मेरा ग्राम है पाली ज़िले में। मेरे 5 हम भाई हैं, 4 मेरी बहनें हैं और मेरे जो बड़े भाई हैं वहाँ डूंगरपुर में उनकी शादी हुई हुई है, मेरे भतीजों की पानरवा में शादी हुई हुई है। और मेरा जो 10th क्लास मैंने मारवाड़ जंक्शन से की थी, 11th क्लास मैंने सनातन धर्म स्कूल ब्यावर से की थी, ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से किया था और राजस्थान प्रशासनिक से हमें वर्ष 1994 में मेरा चयन हो गया था। उसके बाद IAS में प्रमोट होने के बाद में वर्ष 2011 का कैडर मुझे मिला है। यही मेरी पृष्ठभूमि।
महासमंदर है जिसमें आपने छलांग लगाई है, पार करने में कितनी चुनौती आप महसूस कर रहे हैं? किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। मैं जिला कलेक्टर के रूप में पूरे डिस्ट्रिक्ट में घूमता रहा हूँ। अभी एक सांसद प्रत्याशी के नाते मैं घूम रहा हूँ, लोगों से इंटरेक्शन समन्वय मेरा पहले भी था और मैंने पॉलिटिक्स से उठकर काम किया है। मतलब मेरे लिए कोई, चूँकि बीइंग एक एडमिनिस्ट्रेटर, मेरे लिए कोई पार्टी नहीं हुआ करती थी ना। बीजेपी के लोगों का भी वही रेस्पेक्ट था, कांग्रेस के लोगों का भी वही रेस्पेक्ट था और मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ तो अभी लोगों का वही प्यार और सम्मान मुझे मिल रहा है जैसे कलेक्टर के रूप में मेरे को मिला था। अभी कलेक्टर वाली बात पे काफ़ी चर्चाएँ चल रही है, जो आपके नामांकन रैली में अशोक गहलोत आए थे, उनका भाषण का एक अंश काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ताराचंद जी ने कलेक्टर के रूप में काम करते हुए यहाँ एक कार्यकर्ता की तरह काम किया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए कि कार्यकर्ता का तात्पर्य ये होता है कि जो सरकार की नीतियाँ और योजनाएँ हैं उनको ग्राउंड में अच्छे ढंग से क्रियान्वित करें, लोगों को उनको लाभ मिले, जरूरतमंदों को लाभ मिले। अगर कलेक्टर में था और राज्य सरकार की या भारत सरकार की योजनाओं को मैंने प्रभावी रूप से ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की तो अगर वो लोग, बीजेपी के लोग मुझे अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता कहते हैं तो मुझे कोई गुरेज नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ने जहाँ तक कहा है तो वो ये कि भी कलेक्टर के रूप में मैंने लोगों से धरातल पर जुड़ के काम किया है, तो एक वर्कर जैसे पार्टी के लिए करता उसकी तरह मैंने मतलब सरकार की नीतियों और योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम किया मैंने। अब शशिकांत सेंथिल जो तमिलनाडु कैडर से आते हैं, तमिलनाडु के हैं मूलते और कर्नाटका कैडर से आईएएस 2009 में वो बने थे, उन्होंने 2019 में जो है नौकरी से इस्तीफा देके वो भी कांग्रेस ज्वाइन किए। मध्य प्रदेश से एक बात चल रही है, तो कई आईएएस आरएएस जो है नौकरी से उनका मोह भंग होके राजनीति की तरफ जो आ रहे हैं, इसके पीछे कोई विशेष रीजन आप? देखिए कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया, देश का संविधान बनाया, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ की, देश का आधारभूत ढांचा स्वीकृत किया और कांग्रेस का जो स्वरूप है वो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है। तो हम जो ब्यूरोक्रेट हैं, मतलब जैसे मैं मेरी बात कहूँ तो बीइंग इन आईएएस अफसर, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो देश के संविधान के अनुरूप और देश के संविधान की विचारधारा के अनुसार काम करती है, देश को तोड़ने का काम नहीं करती। आज इतने वर्ष हो गए आज़ादी के बाद जो विश्व में ख्याति बनाई है हिंदुस्तान ने, वो एक कांग्रेस की देन है। तो मैं कांग्रेस आइडियोलॉजी से प्रभावित हूँ और उसी वजह से राजनीति में हूँ। और जो दूसरे आईएएस आप बता रहे हैं तो निश्चित रूप से वो भी कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित हैं, तभी कांग्रेस पार्टी में है।